पुराने समय के युद्ध याद है आपको, सुबह होते ही युद्ध की शुरुआत की घोषणा होती थी, फिर शाम होते होते युद्ध विराम की घोषणा होती थी, अगले दिन पुनः युद्ध शुरू होता था। कुछ ऐसा ही युद्ध शब्दों के साथ राजस्थान के दो बड़े नेता लड़ रहे हैं। गत डेढ़ दिन से युद्ध जारी है, कल सुबह शुरू हुआ, शाम देर रात होते होते युद्ध पर विराम लगा, आज 2 फरवरी की सुबह पुनः एक बार उस मैदान में घमासान शुरू हो चुका है। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र सिंह राठौड़ के बीच की तलखी किसी से छुपी हुई नहीं है, मगर जिस तरह से पिछले डेढ़ दिन से ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहे हैं, वो सभी के लिए सुर्खियों का विषय बने हुए। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार की भाषा उन ट्विटर में यूज़ की जा रही है, उन ट्वीट्स में यूज़ की जा रही है, जिस प्रकार की भाषा वहाँ दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बड़ी रोचकता लिए हुए है। हालांकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे गौण होते हुए दिखाई देते हैं, कई बार भाषाई मर्यादाएं पटरी से उतरती नजर आती है, मगर जिस प्रकार का शायराना अंदाज है, उनसे अच्छे अच्छे शायर शर्मा जाए। जी हाँ, शुरुआत होती है 1 फरवरी 2024 सुबह 8:18 राजेंद्र सिंह राठौड़ के ट्वीट से। तो लीजिए शुरू करते हैं दोनों के बीच का ट्विटर का युद्ध, और उसके बीच में संयम लोढ़ा ने तड़का लगाया, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। शुरुआत 1 फरवरी 2024 सुबह 8:18 राजेंद्र सिंह राठौड़ का ट्वीट कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। इन दो लाइनों के साथ मतलब शायराना जो अंदाज देखेंगे ना दोनों ही तरफ से, उसमें बड़ा ही मजा आएगा आपको। आगे लिखते हैं, सीकर वाले नेताजी इतना भी अहंकार ठीक नहीं है, हार और जीत सिक्के के दो पहलू है, अभी एक परीक्षा और बाकी है। ये कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में अलग एपिसोड बनाने जैसा विषय है। तो युवा आज भी पूछ रहे हैं, एक ही परिवार से चार चार RS बनना संयोग था या प्रयोग, युवाओं के सपनों के सौदागरों को माफ नहीं किया जाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। अब इन सवालों के और युवाओं के सपनों के सवालों के जवाब तो नहीं आए, मगर इस ट्विटर पर जो ये ट्वीट आया है, एक्स जिसको आजकल कहते हैं, उस पर जो ये ट्वीट आया है, उसका जवाब गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। हालांकि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 8:18 पे किया था जवाब, पुनः जो लौट कर आया वो आया 11:26 पर। और जवाब की जो शुरुआती पंक्तियां थी कि गलत फहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे टोल बदरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हाँ, अहंकार नहीं स्वाभिमान है, हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत और करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। गोविंद सिंह डोटासरा के इस जवाब के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनका फोन जवाब आता है 1 बजे के उस जवाब में वो लिखते हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, यह अजीबो गरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बया होती है। कह रहे हैं कि यार बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, इस बात में भी मतलब बड़ी अजीबो गरीब ये अदा है आपकी, तो गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। और उसके आगे फिर जो पंक्तियाँ हैं शायराना इस युद्ध की कि गलफतों में डूबी तुम्हारी ज़िंदगी की नफ़रत की आग जमा है, गलफतों में डूबी तुम्हारी ज़िंदगी में नफ़रत की आग जमा है, गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के, पर कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा है। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिबा ना हो, और जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। एक हिदायत भी देते दिखाई दिए, भाषाई मर्यादाओं पर कुछ थोड़ा सा एक हिंट देते हुए नजर आए राजेंद्र सिंह राठौड़, मगर इसका जवाब पुनः आता है गोविंद सिंह डोटासरा के तरफ से, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। और जवाब आता है शाम होते होते तकरीबन 6 बजे के आसपास कि अपने पे बात आए तो मर्यादा याद आए, औरों पर झूठ झूठ लांछन लगाए तो सारी मर्यादा भूल जाए, कीचड़ उछाल कर कीचड़ से कौन बचा है, मर्यादित रहना ही मर्यादा का उसूल सच्चा है, माफिया के दाग में कब तक ओढ़ोगे शराफत, फिर कहता हूँ आलोचना और आरोप में फ़र्क रखो जरा नज़ाकत। जिस दिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके आपकी सरकार के समय RS की परीक्षा पास की, उसकी मेहनत पर खिल्ली उड़ाकर झूठे आरोप 3 साल से लगा रहे हो, सिर्फ झूठा हल्ला मत मचवाओ, सिर्फ झूठा हल्ला मत मचाओ, दोनों जगह सरकार तुम्हारी दिल खोल कर जाँच करवाओ। इसमें मतलब एक चुनौती भी नज़र आई कि हाँ भैया जाँच करवा लीजिए। तो इसका एक लंबा चौड़ा जवाब मिला रात 9:30 बजे,
मतलब लोग इस पे बिल्कुल डट गए थे कि क्या होता है। बड़ी रोचकता से सभी लोग इनके सवाल जवाब और ये आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे। रात 9:30 बजे राजेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से जवाब आता है, हाँ मैं मानता हूँ लांछनबाजी में मैं क्या, हाँ मैं मानता हूँ लांछनबाजी में मैं क्या, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब बड़ा ही बारीक व्यंग कसा है यहाँ पर कि हाँ मैं मानता हूँ लांछनबाजी में मैं क्या, कोई भी आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में आपके साथ कभी शामिल नहीं समझे, आपकी ये विशेषता आपको ही मुबारक। आपको माफिया की याद कब आई, 5 साल में आपकी सरकार को क्या सन्निपात हो गया था, जारोली कटारा केशावत राणावत सबने किया था जो भ्रष्टाचार, तो दागदारों की क्यों नहीं करवाई जांच, आरपीएससी की प्रतिष्ठा पर भी जब आई थी आंच, युवाओं के कलेजे में फंसी रही बेरोजगारी की फांस, मेहनत और प्रतिभा की खिल्ली किसने उड़ाई, राजस्थान का हर प्रतियोगी छात्र जानता है, सब कुछ सामने रखिए, सब कब कुछ सामने आएगा, बस धैर्य रखिए। और जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा पास की, दुख तो यही है कि वो बेचारे निराशा और घोर अंधेरे में डूब गए, उजाले किनके हिस्से आए और क्यों आए ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। इस कथित मेहनत और चार चार अभ्यर्थियों के एक जैसे नंबर कैसे लाए का ये फॉर्मूला तो वे गरीब बेरोजगार पूछ रहे हैं जो पेपर लीक से ठगे गए हैं। और हाँ, जांच करवाने की चुनौतियां देने से कोई अपराध खत्म नहीं होता है, रिमेंबर अ क्राइम नेवर डाइज, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबो यू। लास्ट में इंग्लिश के माध्यम से भी कुछ ज्ञान देने की कोशिश की गई, न्याय की बात की गई, बताया गया कानून सबसे ऊपर है। और इसका जवाब फिर जब इंग्लिश पे राजेंद्र सिंह राठौड़ का ट्वीट खत्म हुआ तो अगला जवाब गोविंद सिंह डोटासरा का इंग्लिश से शुरू हुआ कि हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप, हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग, अगर दम है तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग, चाहे मर्जी लो एक्शन पर बंद करो ये झूठा मिशन, किसानों के बच्चों पर छाती क्यों पीटते हैं स्वयंभू सीएम, दबाने का दौर बीत चुका है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और कामयाब भी बनेंगे। ये जवाब आया रात 12 बजे 11:59 पर, मतलब जो सुबह 8:18 पर एक वाक युद्ध शुरू हुआ वो रात 12 बजे तक चलता रहा, और ऐसा नहीं कि वहाँ ख़त्म हो गया। 12 बजे गोविंद सिंह डोटासरा का ये जवाब आता है, और कल के दिन का आखिरी जो युद्ध विराम का जो ट्वीट था अगर यूँ माने कि बस उसके बाद कल नहीं युद्ध चला आगे, वो राजेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से आया रात 12:22 पर कि तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग होनी ही थी, क्योंकि तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ। 4 बार की जीत से ही अगर आपने स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को भुला दिया तो कहीं एक बार और जीत आए तो मोदी जी के बनाए 6-लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा। आगरा का इशारा क्यों करते हैं लोग आप सभी जानते हैं, समझदार है। मुझे भी गर्व है कि आपसे 2 बार जीतने के बाद भी विनम्रता अभी जीवंत है, क्योंकि ये भाजपा है, छल प्रपंच का अखाड़ा नहीं, जरा होश की बात करो, अब ये नाथी का बाड़ा नहीं। मतलब देखो शायराना अंदाज देखिए आप कि मुझमें विनम्रता अभी भी जीवंत है, क्योंकि ये भाजपा है, छल प्रपंच का अखाड़ा नहीं, जरा होश की बात करो, अब यहाँ नाथी का बाड़ा नहीं। और जो करा है वो सर्टिफिकेट में भरा है, मेहनत से 4-4 अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक लाने से पहले सोचना था कि नंबर तो थोड़े कम ज़्यादा कर लेते, नहीं सोचा, चूक हुई, इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका भी दोष दूसरों पर, बच्चे सभी के पढ़ेंगे, कामयाब भी होंगे, बशर्ते पिछले दरवाजे से पास होने वाले फार्मूलाबाजों से बच सके, बशर्ते किसी खुदगर्ज के कलाम उनकी राह के रोड़े ना बने। ये कल पूरे दिन चला, 1 फरवरी सुबह 8:18 से लेकर रात 12:22 तक राजस्थान के ये दो बड़े नेता इसी प्रकार के शब्द युद्ध में उलझे रहे। हालांकि मुद्दा युवाओं के पेपर लीक, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं एक ही परिवार से पास होने के, ये थे, मगर इस बीच कई बार भाषाई मर्यादाएं टूटती रही, कई बार आरोप और लांछन अपने दायरे तोड़ते दिखाई दिए, मगर लोगों को लगा शायद ये पूरा का पूरा युद्ध कल रात देर रात खत्म हो गया, अखबारों की सुर्खियों में भी रहा, मीडिया भी इस पर बोलता नजर आया, मगर आज सुबह इस युद्ध के अगले दिन के जो प्रहर थे वो लेकर आई, इस युद्ध की पुनः शुरुआत हुई। शुरुआत में जवाब गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से आया, जवाब सुबह 10:30 बजे आया, और जवाब में कहा गया कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, ये तो वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला की अनुभव खूब झलक रहा है, बात करते हैं विनम्रता की, होती है जिनमें अदब और शिष्टता, वो दिखाते नहीं हीनता और निकृष्टता। मतलब
बड़े ही महीन तौर पर दोनों ही शायराना अंदाज में एक दूसरे पर अमर्यादित भाषाओं के बाण चला रहे हैं। राजनीतिक रूप से जिंदा होने की सीढ़ी कोई और ढूंढिए, राम राम। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो राम राम हुआ, ये इन पूरे तमाम चीज़ों की इतिश्री थी क्या? मगर इसका भी जवाब राजेंद्र सिंह राठौड़ आज सुबह देते हैं 11:30 बजे, और वो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, बस ये बता कि बेरोजगारों के भरोसे के काफिले क्यों लूटे, जब वो रहबर थे वो राहजन क्यों बने? हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, दाग ऐसा ना हो कि मरीज गायब हो जाए। लोकतंत्र की इस जंग में जीत चाहे तुम्हारी हो या हमारी, पर लफ्ज ऐसे ना हो कि तमीज ही गायब हो जाए। जी हाँ, दोनों एक दूसरे पर लगातार प्रहार भी कर रहे हैं और भाषाई मर्यादाओं के बारे में भी लगातार एक दूसरे को सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, अब आपकी विशेषज्ञता परवान चढ़ने लगी है, मानसिकता और भाषा की निम्नता साफ दिखने लगी है, यानी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। जय श्री राम। और इसी के साथ आज सुबह तक की जो खबर है वो युद्ध समाप्त हो गया था। अब उस युद्ध के आगे के दौर क्या रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। तमाम चीज़ें आगे किस प्रकार से बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। मगर ये जो पूरा दिन और कल के दिन के बाद आज के दिन ये पूरा जो पूरा का पूरा ये ट्विटर का वॉर चला है वो अपने आप में बड़ा ही खतरनाक और लाजवाब चला। हालांकि इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब दो नेता दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार कर रहे थे, प्रहार और पलटवार कर रहे थे, इस बीच में कांग्रेस के कद्दावर चेहरे संयम लोढ़ा, जो पिछली बार हालांकि निर्दलीय जीत के आए थे मगर कांग्रेस के लिए बड़े मददगार साबित रहे थे, इस बार हार गए हैं, वो राजेंद्र सिंह राठौड़ का जो पहला ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब इतना भी गुमान न करे बेखबर, तुम्हारी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, उसको रीट्वीट करते हुए कल उन्होंने एक लाइन ऊपर लिखी थी कि आपके विधानसभा में न होने की कमी पूरे राजस्थान को महसूस हो रही है। राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए लिखा था। आखिर अब ये क्यों लिखा गया, इसके क्या मायने निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर कुल मिलाकर जो कल ये पूरा का पूरा दिन रहा है दो नेताओं के बीच, और उसमें कि आज की शुरुआत भी शामिल है, आज की शुरुआत में हालांकि एक ने आखिर में राम राम लिखा है, दूसरे ने जय श्री राम लिखा है, मगर ये अपने आप में बड़े ही रोचक शब्द बांध रहे, और ये युद्ध इतना प्रबल और इतना प्रभावी था कि इसमें शब्द इतने सक्षम नजर आए कि किसी बाण, किसी धनुष, किसी तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी। मगर प्रश्न अभी तक यथावत वहीं खड़ा है कि इन युवाओं के सपनों का क्या होगा, पेपर लीक की तमाम जो अपराधी है उनका क्या होगा, दोषियों का क्या होगा, उन पर कोई विस्तार से चर्चा हुई नहीं। भाषाई मर्यादाएं जरूर, जैसा कि मैंने कहा कि हिचकोले खाती नजर आई, दोनों नेताओं की तलखी खुलकर ट्विटर पर दिखाई दी, शब्द और जो भाषा की प्रणाली थी उस पर यकीनन कई सवाल खड़े होंगे, कई प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर ये जो तलखी कल पूरे दिन दिखी आज अभी तक जारी है, ये हर एक तरफ सुर्खियों का विषय बनी रही। मैंने भी कोशिश की कि तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, अगर कोई नया ट्वीट आएगा, कोई नया हमला होगा तो एक नया एपिसोड बनाएंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।